तो दोस्तों आज वरुण धवन सारा मूवी भेड़िया सिनेमा हॉल में रिलीज हो चुकी है और इसी मूवी का मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भेड़िया मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कि भेड़िया मूवी है कैसी। तो पहले तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि इनके मेकर्स ने इस मूवी को 3D में बनाया क्यों। इसे 3D में नहीं भी बनाते हो भी काम चल जाता और मेकर्स के पैसे भी बच जाते। सिर्फ दो ही 3D इफेक्ट है पूरे मूवी में। तो ये दो 3D इफेक्ट देखने के लिए ऑडियंस को पूरे 2.5 घंटे चश्मा पहन के सिनेमा हॉल में बैठना पड़ता है। तो क्या फायदा है ऐसे 3D मूवी देखने का, उससे अच्छा आप 2D में बनाओ ना। 3D मूवी बनाते ही क्यों, तो सिर्फ दो 3D इफेक्ट देखने के लिए ऑडियंस पूरे 2.5 घंटे उस चश्मे का बोझ अपने आंखों पे लेके बैठे रहे सिनेमा हॉल के अंदर। तो वो तो मुझे पसंद ही नहीं आया दोस्तों। 3D इफेक्ट तो इस मूवी में कुछ है ही नहीं, सिर्फ मूवी में सिर्फ दो ही 3D इफेक्ट है। इससे अच्छा कि आप इस मूवी को 2D में देखिए तो आपको शायद थोड़ी मूवी अच्छी लगेगी। तो भेड़िया मूवी की स्टोरी तो काफी सिंपल है। वरुण धवन है, अरुणाचल प्रदेश जाता है, वहां अरुणाचल प्रदेश के जंगलों को काट के वहां पे रोड बनाना चाहता है और पैसे खूब कमाना चाहता है, यही वरुण धवन का मकसद है। उसी दौरान वरुण धवन जब अपने दोस्तों के साथ वहां से गुजर रहा होता है तो वहां पे उसे एक भेड़िया काट लेता है। तो भेड़िया काटने के बाद किस तरीके से वरुण धवन की जिंदगी बदल जाती है और वो खुद एक भेड़िया बन जाता है और वो आगे क्या क्या हरकतें करता है, किस तरीके से कृति सेनन उसे मिलती है, क्लाइमेक्स में क्या होता है दोस्तों, क्या वरुण धवन फिर से इंसान बन पाता है, क्या भेड़िया का क्या मकसद है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। कृति सेनन का क्या रोल है, वो क्यों इस फिल्म में, ये भी आपको जानना है तो मूवी देखनी ही पड़ेगी, तब जाके आपको सब पता चलेगा कि ये मूवी है कैसी। तो दोस्तों इस मूवी में तो एक सस्पेंस भी रखा है, तो सस्पेंस तो काफी बचकाना है। ऐसा मूवी में ऐसा सस्पेंस रखा है कि वो देख के आपको कुछ शॉक नहीं लगेगा, उल्टा आप सोचोगे यार ऐसा ही होगा, हमें पहले से ही पता था। तो इनके मेकर्स ने इस मूवी को हॉरर कॉमेडी का नाम दिया, लेकिन फिल्म में हॉरर तो पूरी तरह से मिसिंग है। तो इस मूवी में हॉरर आपको कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ पूरी मूवी कॉमेडी से भरी पड़ी है। ऐसे ऐसे जोक्स है, कई जगहों पे आपको हंसी आएगी लेकिन कई जगहों पे तो आप इतना इरिटेट हो जाओगे यार, ये सब क्या हम देख रहे हैं पर्दे पे यार, क्या ये देखने के लिए आए। यही जोक्स तो हम व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे देखते ही रहते हैं और यही सब जोक्स हम सिनेमा हॉल में भी आके इस मूवी में देख रहे हैं। एक दो सीन है, एक दो जोक्स ऐसे है जिसपे आपको हंसी आ भी जाएगी। एक वरुण धवन के टट्टी वाला सीन है यार, वो सीन तो ऐसा है कि आपको उल्टी भी आ सकती है वो सीन देख के। तो ऑडियंस को तो पूरी तरह से घिन आएगी यार, कितनी ऑडियंस उल्टी भी कर सकती है सिनेमा हॉल में, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ। तो वो सीन अपने रिस्क पे ही देखिए, जो ऑडियंस कमजोर है तो उन्हें उल्टी भी आ सकती है वो सीन देखे। तो ऐसा भी एक गंदा सीन है इस मूवी में और जोक्स भी ठीक ठाक है, लेकिन कुछ जोक्स तो आपको काफी इरिटेट करेंगे, परेशान करेंगे। ये सब क्या बचकाने जोक चल रहे सीन के ऊपर, यही आप सोचते बैठोगे सिनेमा हॉल के अंदर। इन्होंने पूरी फिल्म कॉमेडी बना के पूरी फिल्म को इन्होंने कचरा कर दिया है। फिल्म में अगर देखने लायक कुछ है तो जहाँ पे वरुण धवन भेड़िया में ट्रांसफर होता है तो वो दो सीन, दो बार ट्रांसफर होता है, दोनों सीन काफी देखने लायक है, तो वो सीन आपको मजा आएगा। उसके VFX भी काफी अच्छे है दोस्तों। फिल्म के VFX 7 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी है, तो VFX काफी अच्छे है। वो जो भेड़िया बनने वाला सीन है ना वरुण धवन का, वो काफी आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा उसका VFX भी देखने को आपको अच्छा लगेगा। वो इंटरवल के पहले एक सीन है और इंटरवल के बाद वाला एक सीन है जहाँ पे वरुण धवन भेड़िया बनता है, तो वो सीन आपको काफी अच्छे लगेंगे। और फिल्म के जो VFX है वो भी ठीक ठाक है, फिल्म के लोकेशन भी काफी खूबसूरत है। इस मूवी को ऑडियंस दोबारा जाके देखेगी तो इसकी उम्मीद तो मुझे भी नहीं है, क्योंकि इस मूवी में वैसा कुछ खास है नहीं। और जहाँ पे Drishyam 2 मूवी का इतना बज बना हुआ है उसके सामने भेड़िया मूवी है, Drishyam 2 के सामने भेड़िया मूवी की स्टोरी तो मुझे काफी बचकानी लग रही है दोस्तों। मैसेज भेड़िया मूवी में देने की कोशिश की है नेचर के ऊपर, किस तरीके से नेचर को बचाना चाहिए, पेड़ों पौधों को बचाना चाहिए, जंगलों को बचाना चाहिए, तो मैसेज काफी अच्छा लगा है। तो मैसेज के लिए तो ये मूवी एक बार देख सकते हो, लेकिन ऑडियंस इसे रिपीट जाके देखेगी जैसे Drishyam 2 को ऑडियंस जाके देख रही है, तो वैसा तो मुझे नहीं लग रहा है। और इसके सामने Drishyam 2 मूवी है तो भेड़िया मूवी बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन करेगी, इसकी भी गारंटी बहुत कम है दोस्तों। इस फिल्म में जितने भी लोगों ने काम किया सबका काम ठीक ठाक ही है, अपनी अपनी जगह पे सभी ठीक है। वरुण धवन, कृति सेनन, जो भी वरुण धवन के दोस्त भाई बताए, तो जिन लोगों ने भी इसमें एक्टिंग की है तो सबकी एक्टिंग ठीक ठाक ही है, ऐसी कोई मास्टरपीस एक्टिंग नहीं बोल सकते किसी को, ठीक ठाक एक्टिंग है, आपको देखने में अच्छी लगेगी। बॉलीवुड को नया ट्राई कर रहा है, कुछ नई चीजें ट्राई कर रहा है, चलो मानते हैं बॉलीवुड को नया बनाने की कोशिश कर रहा है, बॉलीवुड को सपोर्ट करना चाहिए। भेड़िया मूवी से उन्होंने कुछ नया दिखाने की कोशिश की है, ऑडियंस को नई चीजों को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आप नया बनाने के चक्कर में कुछ भी बना दोगे तो ऑडियंस कैसे सपोर्ट करेगी आपको मूवी को। अगर भेड़िया मूवी पूरी तरह से हॉरर मूवी होती ना, के साथ बोलता हूँ दोस्तों कि ये मूवी डेफिनेटली ऑडियंस मूवी को सपोर्ट करती है और ये मूवी Drishyam 2 को भी बड़ी टक्कर देती अगर मूवी पूरी तरह से हॉरर होती। लेकिन उन्होंने हॉरर तो इस मूवी को बनाया ही नहीं है, पूरी तरह से कॉमेडी बना के रख दिया इस मूवी को, तो ये कॉमेडी बनाने के चक्कर में मूवी का कचरा कर दिया है। तो मुझे तो लगता नहीं है दोस्तों कि ये बॉक्स ऑफिस पे Drishyam 2 को टक्कर देगी, तो देखते हैं गाइस आगे कुछ भी हो सकता है। अगर आपको जाके इस मूवी को देखना है तो एक बार जाके देखिए कि बॉलीवुड क्या नया ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, तो भेड़िया मूवी आप जाके देखिए। तो ये मुझे भी नहीं लग रहा है कि कोई ऑडियंस इस मूवी को जाके दोबारा देखेगी। तो ओवरऑल दोस्तों भेड़िया मूवी ने मुझे निराश कर दिया है, आप लोग जाके देखिए, अगर आप लोगों को पसंद आती है, कैसी लगती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।
और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।